ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं प्रियंका रॉय और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी की खास पेशकश दंगल दिल्ली का। दिल्ली में चुनावी दंगल शुरू हो गया है और इसके साथ ही शुरू हो गई है सभी पार्टियों के बीच जोरदार टक्कर। आज हम पहुंचे हैं नागलो इलाके के वार्ड 34 में, जहां एक बार फिर जनता के बीच जाकर जनता के दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस वार्ड 34 इलाके में क्या माहौल है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, तो आपके इलाके में क्या माहौल है? हमारे इलाके में आम आदमी पार्टी का माहौल है, केजरीवाल जी का। क्यों है? इसलिए कि काम किए हैं, पानी बत्ती का बिल सब सुविधा है, गरीब आदमियों के लिए सुविधा है, बसें फ्री कर रखी हैं, और बाकी और जो जीतेंगे तो एमसीडी में आएंगे तो और भी सुविधा करेंगे गरीबों के लिए। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने जाएंगे? मुद्दे तो यही है भाई, पानी का, बत्ती का, और जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा है, और बाकी जो स्कूलों का है, बच्चों की पढ़ाई का है, राशन का है, सभी चीज़ों का है। और हार जीत तो दो लड़ेंगे तो एक की तो हार होती है। पेंसिलों में इतना घोटाला कर रखा है बीजेपी वालों ने, यहाँ की वो ज्योति रछैया जीती हुई है, पेंसिल में घोटाला कर रखा है, विकास कुछ भी नहीं कर रहा। आज उसको 5 साल हो गए, 5 साल कांग्रेस खराब कर दिए, 5 साल बीजेपी के उसने खराब कर दिए। क्या किया है कलोनी वालों के लिए, क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। दिल्ली में जो है एमसीडी चुनाव को लेकर दंगल छिड़ गया है, आपके इलाके में क्या माहौल है? माहौल तो मैडम ऐसा है जो चारों का ही है वैसे, जो भी ये माहौल। क्या क्या समस्याएं हैं आपके इलाके में? हमारे इलाके में समस्याएं तो ये रोडों की हैं, पानी की भी है, जैसे रोड ये नालियां भर जाती हैं और इनके नाले साफ नहीं होते। ये किस पार्टी से उम्मीद है? अब उम्मीद तो अब जो भी माहौल है, जो जैसा भी दिल्ली में, वैसे तो आम आदमी पार्टी का ही है। आम आदमी पार्टी क्यों? अब ये तो मैडम माहौल चल रहा नहीं है कि लोगों को फ्री का। आप किन मुद्दों को लेकर जो है वोट डालने जाएंगे? वोट डाले जाएंगे वो तो अब जिसका सीक्रेट बहुत है, जो भी डालना चाहेगा जैसे अपना। मैं चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को देखते हुए, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो लोगों को बिजली भी फ्री दे रहा है, सारे गरीब तबके के लोग हैं उनको बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, और प्लस लेडीज़ों को वो किराया फ्री कर रखा उसने। क्या क्या समस्याएं हैं आपके? समस्याएं हमारे यहाँ पे जी, एक तो नाले जाम रहते हैं, रोड अगर टूट फूट जाते हैं उनकी केयर नहीं करता कोई भी। आपके इलाके से कौन कौन है इसमें? हमारे यहाँ से आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस, तीनों नेशनलाइज पार्टी से भी हैं, प्लस छत्र सिंह रसोया जी हमारे यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो पहले बीजेपी से थे। क्या लगता है इस बार ही फूल खिलेगा या झाड़ू चलेगा? वो तो वोटर का अपना मत बताएगा अभी। आप किस पार्टी से उम्मीद करते हैं? हम तो सभी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगर कोई हमें हमारी उम्मीदों पे आए तो। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, तो आपके इलाके में क्या माहौल है इस बार, जो आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों के दिल में क्या है? मैडम हम चाहते हैं इस बार परिवर्तन होना चाहिए। इस बार कौन लाएगा परिवर्तन? परिवर्तन कांग्रेस ही ला सकती है। कांग्रेस? हाँ जी, इस बार कांग्रेस आपको आना जरूरी है। कांग्रेस की पार्टी क्यों? क्योंकि वो काफ़ी टाइम से रुकी हुई है और उन्होंने पहले काम भी करवाया एमसीडी में। कितने साल से आप इस इलाके में रह रहे हैं? 1984 से। क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? इस बार माहौल अभी किसी का कह नहीं सकते किसका है, सब बराबर में ही चल रहे हैं, लेकिन किसी का भी माहौल बने इस कॉलोनी का उद्धार होना चाहिए। बिल्कुल भी ना तो यहाँ कोई सफाई ढंग से हो रही है, ना कोई मच्छर इतने हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। रात के टाइम अगर यहाँ खड़े होंगे ना तो ऐसा लगेगा कि उठा के ले जाएंगे, अगर कोई हल्का सा बंदा हो ना तो उठा के भी ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्या लगता है कौन करेगा उद्धार? उद्धार जो भी नेता आएगा अच्छा वो करेगा। किस पार्टी से उम्मीद है? पार्टी से तो सबसे उम्मीद है, अब किसके लिए कह दे, काम यहाँ जो करेगा उससे उम्मीद है। दिल्ली से तो है ना, क्या माहौल लग रहा है? माहौल ठीक ठाक है, ये तो जुआ है, जो जीता वही सिकंदर। हाँ, सट्टाबाजी है। आपको क्या लगता है? हमें तो लग रहा है जो केजरीवाल आएगा। केजरीवाल जी? हाँ। क्यों? इसलिए कि वो जनता के पक्ष में है और जो भी जनता काम बोलता है वो जनता के हिसाब से कर रहा है। आपके यहाँ के जो नेता जी हैं, जब वोट मांगने आएंगे तो आप उन्हें क्या क्या समस्याएं हैं जो है बताएंगे? उनको तो मैं उस पार्टी में मैं रहता ही हूँ। कितने साल से आप इस इलाके में? करीबन हो गए 25-30 साल हो गए जी।
एनसीडी चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है इस बारी फूल खिलेगा या झाड़ू चलेगा? देखो जी, पार्टियां सभी अपने अपना दाव पेश करती है और पार्टियां सभी अपना अपना जोर अजमाशी है। हमारे यहाँ तो ये दुर्भाग्य है कि 15 साल से 20 साल से कोई भी पार्टी होती है अच्छा कैंडिडेट नहीं देती है। कैंडिडेट वो होना चाहिए पढ़ा लिखा हो, कैंडिडेट वो होना चाहिए कि कैसे काम कराया जाता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे क्या होता है। लेकिन पार्टियां हमारे ऐसे कैंडिडेट दे देती हैं कि दुर्भाग्य हम हैं कि हम हमारा काम शिक्षित नहीं होता है यहाँ। आपका नाम? प्रवीण कुमार है। कितने इलाके से आप इस कितने साल से आप इस इलाके में? मैं तो जन्म से यहीं पे ही हूँ। क्या क्या लग रहा है इस बारी एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, किसका माहौल है? माहौल तो अभी कुछ नहीं बता सकते अभी। आपके अगर देखा जाए तो आप किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार ये चुनाव में वोट डालने जाएंगे? हमारा जो पूरा कैंडिडेट था बकवास था, वो तो महा बेकार था, वो तो किसी लायक था ही नहीं। इस बारी क्या उम्मीद है? देखो हम तो चेंज करने की सोच रहे हैं, तो कुछ हो जाता चेंज हो जाता। क्या लगता है कौन? वो अब ये इसके बारे में नहीं कह सकते, सॉरी। क्या क्या समस्याएं हैं आपके लिए? हमारे यहाँ सबसे पहले समस्या तो सफाई की है, उसके बाद फिर पानी की समस्या। समस्या पानी की तो इतनी है कि पूछो ही मत। हर घर में एक आदमी बीमार पड़ा, चाहे मेरे घर अभी आगे चल तो मैं भी आप लाइन पानी तो इतना गंदा आ रहा है कि कॉर्पोरेशन का पूछो ही मत। 4 दिसंबर को जो है एमसीडी चुनाव के वोटिंग होने वाले हैं, तो आपके इलाके में साफ सफाई को लेकर क्या माहौल है या इस बारी क्या उम्मीद करते हैं? साफ सफाई तो कुछ है नहीं, और जो अच्छा काम करेगा सपोर्ट उसी को करेंगे। क्या लगता है कौन सी पार्टी अच्छा काम कर सकती है? चाहे बीजेपी हो, आप हो या कांग्रेस हो, जो अच्छा काम करेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। 4 दिसंबर को जो है एमसीडी चुनाव के वोटिंग होने वाले हैं, तो आपके इलाके में जो है क्या माहौल है, क्या लगता है फूल खिलेगा या झाड़ू चलेगा? अब तो ये देखो आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, ये तो कह नहीं सकते हम अभी। लेकिन एमसीडी में तो अभी बीजेपी है, लेकिन हालत देखो गलियों की क्या हाल है। क्या लगता है हाल है? क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है अच्छा काम कर सकती है? ये अब ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन कर सकता है, वो तो काम करने के ऊपर है कॉलोनी में कि कैसा कर सकता है काम। क्या क्या समस्याएं हैं आपके इलाके? समस्या क्या है जी? नालियां, हमारे तो गली की नालियां ही साफ नहीं होती कभी, आज तक एमसीडी के लोग ही नहीं आए नाली साफ करने यहाँ पे। इस बारी क्या उम्मीद है? इस बार उम्मीद क्या पता नेता बदले तो, बीजेपी या आम आदमी पार्टी बदले तो क्या तो बदलाव। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? ये तो भी आप कह नहीं सकते, दोनों ही भारी पार्टी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई दिवासा तो मैं देखो झाड़ू वाले को वोट देती हूँ, पर हमारी गली का सुधार होना चाहिए। देखो कीड़े चल रहे हैं, कल भी हमने केजरीवाल जी को केजरीवाल जी से इतना प्यार क्यों? नहीं वो सही आदमी है, सही आदमी है मेरे लिए तो सही है। देखो हमारी पेंशन भी बनी है उनके मुझसे, और निशान पर मैंने बहुत चक्कर काटे हैं, पर कोई प्रॉब्लम की कोई सुविधा होती है जो उसी को तो देते हैं ना कोई लोग। इस बारी क्या लग रहा है कौन सी पार्टी? मैं तो झाड़ू वाले को दूंगी, झाड़ू वाली जी। और इसी के साथ आज हमने आपको दिखाया कि नागलोई वार्ड 34 इलाके की जो जनता है वो क्या चाहती है। अगर आपके इलाके में भी कोई समस्या है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV।